तो है। हेलो बेटे, एम आई ऑडिबल टू यू? प्लीज रिप्लाई मी। यस वेरी यस सर गुड। एंड आई केम टू नो दैट ऑल ऑफ माई स्पैरोज एंड पिजन्स, आई मीन क्वीट गर्ल्स एंड स्वीट बॉयज आर अटेंडिंग द क्लास फ्रॉम देयर लवफुल होम्स नाउ टूडे। एम आई राइट? सही है यस सर, यस, यस सर। लेट्स स्टडी फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ होम। ओके, तो हम अपनी रे डायग्राम को बच्चे आगे बढ़ाएंगे और मजे से पढ़ना है। पूरे 1 आवर की क्लास है और जो बच्चा आज इस टॉपिक को अच्छे से सुनेगा, ना केवल उसको समझ आएगा बल्कि उसकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी रे डायग्राम की, ठीक है, जो उसको दिक्कत लगती थी। दूसरी बात, इन रे डायग्राम को मैं अलग से बनाकर सिंगल शीट पर कॉनकेव लेंस के लिए, कॉन्वेक्स लेंस के लिए, कॉनकेव मिरर के लिए, कॉन्वेक्स मिरर के लिए, आपको 2 पेजेस पर अलग से बना के सारी रे डायग्राम आपके हाथों में शीट वाइज डिस्ट्रीब्यूट भी करवाऊंगा जिस दिन आप स्कूल जाओगे। इज दैट क्लियर? यस यस सर। सर, यस सर, तो यस मतलब अगर किसी बच्चे से आज ना भी डायग्राम बने, उसका समझने में ज्यादा ध्यान होना चाहिए क्योंकि शीट तो आपको मिल ही जानी है, ठीक है, समझने में ज्यादा ध्यान होना चाहिए। और अगर कोई बच्चा दोनों काम कर सकता है तो बड़ी अच्छी बात है, समझ ले भी और लिख भी ले। तो लेट्स प्रोसीड फर्दर, ठीक है। सभी बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड बी थैंकफुल टू द ऑलमाइटी कि एक दूसरे के सामने खड़े हैं आज हम फिर से आगे बढ़ने के लिए। ओके बेटे, तो हम डिस्कस करने लगे हैं बेटे व्हाट रे डायग्राम्स। ऑफ कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, काफी सारी रे डायग्राम होती हैं इसकी, लेकिन मैं पूरे बोर्ड के ऊपर एक ही डायग्राम एक बार बनाऊंगा, एक डायग्राम, ताकि मेरे बच्चों को खुला खुला दिखे बड़ा बड़ा। इज दैट क्लियर? शाबाश बेटे। सर, तो हमने इसमें क्या देखना होगा? डायग्राम देखने के साथ साथ हमने क्या देखना होगा? हमने ये देखना होगा डायग्राम देखने के साथ साथ कि हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ है, यानी यू की वैल्यू क्या है, हमारा इमेज कहाँ बना, यानी वी की वैल्यू क्या है, और खास बात, जो हमारा इमेज बना उस इमेज की, आई स्टैंड फॉर इमेज, इमेज का नेचर क्या है। नेचर का मतलब उसके क्या क्या फीचर्स हैं, फीचर्स। ओके बेटे, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम एक कॉनकेव मिरर बनाते हैं। योर अटेंशन, देखो ये टीचर ने बनाया कॉनकेव मिरर, और कोई बच्चा बताएगा ये जो मैं लाइन लगा रहा हूं इसको क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल प्रिंसिपल एक्सेस। एक्सेस। वेरी गुड, वेरी गुड, ये हुए। देखा कितने प्यारे बच्चे हैं साथ दे रहे हैं टीचर का, प्रिंसिपल एक्सेस, शाबाश। और इस मिरर के इस मिड पॉइंट को, जिसको पी लिखा है टीचर ने, क्या बोलते हैं? पोल होल बोलते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। अब आपको याद है टीचर ने सिखाया था कि जो लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, वो लाइन फोकस में से गुजरे गुजरेगी। याद है आपको, ऐसा बताया था मैंने आपको, सही ये सही है सही भी बताया था जो फोकस में से गुजरेगी वो लाइन बाद में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। ये दो दो रूल बताए थे आपको, ठीक है। तो हम, है। शाबाश शाबाश, हम सबसे पहले क्या करने लगे हैं मेरे प्यारे बच्चे, हम यू यू को इन्फिनिटी लिख रहे हैं। क्या मतलब इन्फिनिटी का? इन्फिनिटी का मतलब है बहुत दूर से रेज ऑफ डायग्राम आ रही। तो अगर मैं यहाँ पर इमेज बना दूं तो आप, किसी बच्चे को ऑब्जेक्शन होना चाहिए कि सर जब इमेज है ही इन्फिनिटी पर और इन्फिनिटी तो दिखता ही नहीं है, बहुत दूर होता है, तो आप ऑब्जेक्ट को दिखा कैसे सकते हो यहाँ पर? बिल्कुल सही, जब है ही इन्फिनिटी पर तो मैं ऑब्जेक्ट को दिखा नहीं सकता, सिर्फ ऑब्जेक्ट से आती हुई पैरेलल रेज ऑफ लाइट दिखा रहा हूं। देखो ये पैरेलल रे ऑफ लाइट आ रही है, इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट कहीं पड़ा है, और
प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है। देखो येलो लाइन इज कमिंग पैरेलल टू दी व्हाइट लाइन, ये यहां पर स्ट्राइक करा और मान लो यहां पर फोकस पॉइंट है और आपको पता है पी से लेकर एफ तक फोकल लेंथ होती है बेटे, और इसका जो डबल होता है पी से लेकर यहां तक सी तक, सी को सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, एफ को प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं, पी से लेकर सी तक रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है और रेडियस ऑफ कर्वेचर हमेशा डबल ऑफ फोकल लेंथ। अब ध्यान से सुनो, जैसे टीचर ने यहां पर स्ट्राइक करा तो सभी बच्चों को पता है कि ये लाइन फोकस में से गुजरेगी, सभी को याद है, और बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, थोड़ा सा बल्कि मेरे से भी टेढ़ी होगी है, हमारे पास स्केल नहीं होता इसके ऊपर, तो थोड़ी सी गड़बड़ हो ही जाती है कभी कभी, तो मैं इस लाइन को दोबारा लगा के दिखाता हूं अपने बच्चों के लिए ताकि बिल्कुल करेक्ट हो। शाबाश, ये देखो ये स्ट्रेट लाइन आई 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 यहां से निकली, ये मेरा ख्याल अब बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। ओके, अब मैं एक दूसरी रे ऑफ लाइट बनाता हूं जिसको मैंने ग्रीन कलर्स के लिए दिखाया ग्रीन कलर से ताकि मेरे बच्चों को बिल्कुल सही दिखे, तो ये भी मैं पैरेलल दिखाई प्रिंसिपल एक्सिस, क्यों, इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट है, जितनी भी लाइनें आएंगी सब पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ही आएंगी क्योंकि इन्फिनिटी पर पड़ा है, क्या हम लिख सकते हैं ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी क्योंकि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है और इन ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को पोल से यू सिंबल से लिखते हैं, इसीलिए टीचर ने इन्फिनिटी लिख दिया, मतलब वेरी 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 फार अवे, ठीक है, तो यहां पर ये टकराया इस पॉइंट पर और ये भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है ग्रीन वाली रे ऑफ लाइट और ये भी फोकस में से गुजरेगी, तो आपने क्या देखा, दोनों रेज ऑफ लाइट एक ही पॉइंट पर स्ट्राइक कर दी है एफ पॉइंट पर बच्चे, ठीक है, तो एफ एफ तो एक सिंगल पॉइंट है, तो हमने क्या देखा, चाहे ऑब्जेक्ट लंबा चौड़ा क्यों ना हो क्योंकि सारी रेज ऑफ लाइट इन्फिनिटी पर, अगर लंबा चौड़ा प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट भी रख देंगे तो सारी रेज ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरलर आएंगी और पैरलर वाली सिंगल पॉइंट में से गुजरती हैं, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो इमेज बनेगा वो पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा, पॉइंट इमेज, सॉरी पॉइंट इमेज, क्यों, एक ही पॉइंट से गुजर रही है, स्प्रेड हो ही नहीं रही, तो चाहे ऑब्जेक्ट लंबा चौड़ा क्यों ना हो पर तो इन्फिनिटी पर हो तो इमेज सिर्फ एक डॉट बनेगा, एक बिंदु बनेगा सिर्फ, ठीक है, सो क्योंकि इमेज हमारा यहां पर बन गया और आप सभी को पता है इमेज के डिस्टेंस को पोल से इमेज के डिस्टेंस को वी लिखते हैं, वी बटे, लेकिन सभी बच्चे कहेंगे सर ये वी तो आपका पीएफ आ गया पर पीएफ तो आपका फोकल लेंथ के बराबर ही था, इसलिए इस केस में फोकल लेंथ के बराबर ही हमारा V आ गया, V means distance of the image from the pole, तो यहां पर हमने F लिख दिया, V is equal to F, कब, if U is equal to infinity, कोई बच्चा इसकी नेचर बताएगा, हाँ जी बच्चा कहेगा सर आई कैन टेल, मैंने कहा बोलो बेटे, बोलते हैं सर अभी तो आपने बताया कि ये एक पॉइंट ऑब्जेक्ट बनेगा, पॉइंट ऑब्जेक्ट, बहुत अच्छी बात, और कोई बात बच्चा बोले, इमेज विल बी रियल सर, हाँ रियल क्योंकि एंड इनवर्टेड इमेज। यहां पर रेज ऑफ लाइट बिल्कुल रेज ऑफ लाइट असली वाली रेज ऑफ लाइट कट कर रही है, कोई डॉटेड लाइन नहीं लगाई टीचर ने, जब असली वाली रेज ऑफ लाइट कट करती है तो बेटे वो रियल इमेज बनता है, तो इस बच्चे का बिल्कुल सही बात है कि ये रियल इमेज बनेगा। अब एक बच्चे ने मेरे को बोला था सर इन्वर्टेड, बेटे इसमें हम इन्वर्टेड कैसे कह सकते हैं, ये तो एक डॉट है, एक मेरे को बताना जरा, अगर बिंदु इमेज बना हो बिल्कुल बिंदु, इसको उल्टा करना जरा, चाहे उल्टा करो चाहे सीधा करो वो तो पॉइंट ही रहेगा कि नहीं रहेगा, इसलिए इसी सही बच्चे की ये जो आवाज आई थी इन्वर्टेड, ये वाला पॉइंट हमने नहीं बोलना, इसमें हमने बस दो ही फीचर बोले हैं कि पॉइंट ऑब्जेक्ट होएगा और रियल इमेज होएगा, क्या मैं उम्मीद करूं मेरे बच्चे को ये वाला रे डायग्राम समझ आया, है। यस सही है। यस यस एक बात और, कोई
बच्चे भूल के आएंगे, मैं रिमाइंडर करवाना चाहता हूँ फ्लैशबैक कि ये लाइट फोकस में से क्यों गुजरती है। तब मैंने आपको बताया था कि यहां पर अगर रेड लाइन को व्हाइट लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर फेंके, देखो रेड लाइन इज परपेंडिकुलर टू व्हाइट लाइन, तो इसको नॉर्मल बोलते हैं। और आपको शायद याद हो टीचर ने अपने बच्चों को सिखाया था एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, आई इज इक्वल टू आर के बराबर होता है, उसको सेटिस्फाई करते हुए इस येलो रे ऑफ लाइट को रिफ्लेक्शन के बाद पॉइंट एफ में से गुजरना पड़ता है। गॉट इट? और मैं आपको यस की बात बताना चाहूंगा कि अगर इस परपेंडिकुलर को आगे एक्सटेंड करें ना, परपेंडिकुलर जो को जो टीचर ने रेड लाइन लगाई है, तो हमेशा ये सी के ऊपर टकराता है, सी के ऊपर। जानते हो क्यों? क्योंकि अगर मैं एक सर्कल ड्रा करूं तो यहां पर टेंजेंट ड्रा करूं, सभी बच्चों को पता है कि टेंजेंट और रेडियस आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, तो अगर यहाँ 90 डिग्री बनेगा तो वो सेंटर में से गुजरेगा। देखो अगर मैं यहां पर टेंजेंट ड्रा कर लू टेंजेंट, तो टेंजेंट के साथ ये ब्लू लाइन और रेड लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, तो नेचुरली ये सेंटर में से जाएगा, क्योंकि रेड आर्क आफ्टर ऑल एक सर्कल का ही पार्ट है, सॉरी व्हाइट आर्क, व्हाइट आर्क एक सर्कल का ही तो पार्ट है। आप ये इमेजिन कर सकते हो कि इसी व्हाइट आर्क को मैं यहां से काट के आपको दिखाया हुआ है। उम्मीद करता हूं अब आपको ये पूरा समझ आ गया। बनाने की कोई जरूरत नहीं अगर आपको दोनों अगर आपको टाइम लग रहा है, लेकिन इसकी प्रैक्टिस जरूर करनी होती है पर्सनल लेवल पे। अब हम दूसरी राय डायग्राम बनाएंगे। दूसरी राय डायग्राम जानते हो टीचर क्या करेगा बेटे? इस यू की वैल्यू को चेंज करेगा। पहले इन्फिनिटी करी ना उसने, अब उसको चेंज करेगा यू। यू को चेंज करने से हम देखते हैं इमेज में क्या फर्क पड़ता है। रेडी? बोलो यस सर। यस 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 सर सर तो मैं यस वेरी वेरी गुड वेरी गुड। तो मैं इसको इरेज करता हूं इस स्पेस को, और फिर से हम आगे बढ़ते हैं ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज करके। ठीक है, पोजीशन चेंज करके हम आगे बढ़ते हैं। राइट, देखो टेबल मैंने बना के रखा हुआ, फिर से हम एक बार पहले तो कंकेव मिरर बना लेना है और उसका पोल भी बना लेना है, फिर एक ऐसी लाइन लगानी है जो पोल को बिल्कुल परपेंडिकुलरली हिट करे। क्या बोलते हैं इस लाइन को बेटे? प्रिंसिपल एक्सेस ट्रिपल प्रिंसिपल शाबाश, प्रिंसिपल एक्सिस। देखो जब टीचर पूछता है ना, उसको पता होता है कई बार के बच्चों को पता है इस लाइन का मतलब प्रिंसिपल एक्सिस, पर कई बच्चे बोलते नहीं है, वो चुप बैठे रहते हैं, हालांकि उनको पता होता है दिल से। नहीं बेटे, बोलना होता है, पार्टिसिपेट करना होता है, क्योंकि बार 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 बोलने से वो चीज हमारे ब्रेन की मेमोरी में ज्यादा गहराई से चले जाती है, और बिना रिवीजन करे ही अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। तो अब टीचर जो आपका रे डायग्राम में जो ऑब्जेक्ट रखा है वो कहाँ पर रखा है? देखो बेटे सबसे पहले हम कहते हैं यहां तक चलो प्रिंसिपल फोकस है, और उससे डबल कर देते हैं, यहां तक हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोल देते हैं। ठीक है, सभी बच्चों को पता है पी एफ विल बी कॉल्ड एज फोकल लेंथ, PC will be called as radius of curvature, radius of curvature is equal to double of focal length। अब देखो टीचर ऑब्जेक्ट कहाँ रखने लगा है? टीचर ऑब्जेक्ट रखने लगा है यहाँ पर। कोई बच्चा कहेगा सर यहाँ पर रख तो दिया, इसको आप मेंशन कैसे करोगे? तो बेटे मैं उसको इन्फिनिटी से खींच के लेकर आ गया, यहाँ रख दिया, लेकिन सी से वही उधर ही रखा, तो बच्चा मेरे को बोला सर इसका मतलब आप ये कहना चाहते हो कि जो आपका ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है यू, पोल से लेते हैं ना इसको डिस्टेंस को, यू जो है आपका वो आपका पीसी से बड़ा है, यानी आप ये कहना चाहते हो कि आपका जो यू है दैट इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्यों? पीसी को क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, लेकिन आपका यू इंफिनिटी से तो छोटा हो ही गया, आई विल से यस, ये कंडीशन। अगर ये कंडीशन है तो अब हम देखते हैं इमेज कहां पर बनता है। ठीक है बेटे, सो शाबाश।
ध्यान से देखते हैं अलग कलर का फायदा लेके, ताकि मेरे बच्चे को ज्यादा अच्छा समझ आए। सबसे पहले हम ये रे डायग्राम बनाते हैं। कोई बच्चा बताएगा ये रे डायग्राम मिरर से टकराने के बाद कहां से निकलेगी? फोकस। वेरी गुड, वेरी गुड, दैट्स लाइक अ स्वीट स्टूडेंट। तो मेरे बच्चों ने बड़ा आसानी से बताया कि सर क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, इसलिए गारंटी है कि ये टकराने के बाद आपकी फोकस में से ही गुजरे जाएगी, स्ट्रेट लाइन जाएगी। ओके, अब मैं एक और लाइन बनाता हूं, देखते हैं ये कौन बताता है। ये थोड़ा मुश्किल है, शायद आप में से ना बता पाए कोई। मैंने एक रे ऑफ लाइट ऐसे निकाली, मिरर से टकराई, कहां से गुजरी? फोकस में से। कोई बच्चा बताएगा बाद में कहां से जाएगी ये टकराने के बाद? वेरी गुड, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग इट। वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। तो अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, तो ये येलो लाइन टकरा के ब्लू लाइन के, स्काई ब्लू लाइन के पैरेलल आएगी, तो यहां पर टकरा के ये निकल गई। जबकि पिंक लाइन जो जा रही थी वो हमारी इधर जा रही थी, दोनों लाइनें यहां पर कट करी। अब मेरे को बताओ यहां पर जो मैं इमेज बनाऊंगा, क्या वो मेरे को ऐसे बनाना चाहिए नंबर वन, के ऐसे बनाना चाहिए? बताओ नंबर टू। नंबर वन। नंबर वन। कैसे कैसे पता लगा? क्योंकि समझदार बच्चा बोलेगा सर आप देखो दोनों रेज ऑफ लाइट ऑब्जेक्ट की टिप से चल रही है, तो टिप से चलने वाली चीज जहां रेज कट करेंगी तो ऑब्जेक्ट की टिप ही बनेगी, तो नीचे को बनेगी। अच्छा बताओ क्या ये इमेज जो बना वो रियल है कि वर्चुअल है? रियल। रियल है। कैसे पता लगा रियल है? क्योंकि टकराने वाली दोनों रेज जहां पर कट कर रही है ये असली रेज है, इसमें कोई भी टीचर ने डॉटेड लाइन नहीं लगाई। डॉटेड लाइन का मतलब होता है एक्सटेंडेड रे, नॉट द रियल रे। टीचर की दोनों पिंक वाली भी और येलो वाली भी असली रेज है। अच्छा एक चीज बताओ कि ये इमेज बड़ा है कि ऑब्जेक्ट बड़ा है साइज में? ऑब्जेक्ट बड़ा बड़ा है, शाबाश। बड़ा। अच्छा इमेज के डिस्टेंस को पोल से क्या किस सिंबल से डेजिग्नेट करते हैं? वी। अब मेरे को बताओ क्या ये वी, क्या ये वी, क्या ये वी रेडियस ऑफ कर्वेचर से बड़ा है या छोटा है? छोटा 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 छोटा। क्या ये वी फोकल लेंथ के मुकाबले बड़ा है या छोटा है? बड़ा सर, बड़ा है। बड़ा। तो बस बन गई बात। तो हम जानते हो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ध्यान से देखो। V is greater than focal length but less than radius of curvature। आगे समझ। और इसकी नेचर अभी, इसकी क्या क्या नेचर बताई? ऑब्जेक्ट से छोटा है ये ऑब्जेक्ट, इमेज जो है ऑब्जेक्ट से छोटा है, ऊपर से रियल है, और अगर इसकी अपसाइड डाउन होगी इसके लिए कौन सा सिंगल वर्ड यूज करते हैं? पलट क्या? इनवर्टेड। तो यहाँ पर इमेज की क्या नेचर लिखेंगे? पहली बात तो इमेज का साइज ऑब्जेक्ट से छोटा है, दूसरी बात इमेज जो हमारा रियल है, तीसरी बात इनवर्टेड है। ये बनी बात। क्या मैं अपने बच्चों से उम्मीद करूं कि उनको ये सेकंड वाला कॉलम सारा समझ आ गया? यस सर। तो ऐसे मजा नहीं होता, मैं दोबारा से पूछूंगा, अगर वाकई समझ आ गया सभी ने जोर से बोलना, मैं देखना चाहता हूं यंग जनरेशन में कितनी ताकत है। क्या आपको सेकंड पॉइंट समझ आ गया? यस सर। अभी इनमें ताकत नहीं है आजकल के बच्चों में, है ना। वंस मोर, क्या आपको समझ आ गया? यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सो बेटे आपने ये डायग्राम भी सीख ली, इसको सिस्टमेटिकली बना के आपको पेज पे भी मिलेगी, अगर आपने खुद नहीं बनाई तो भी घबराना नहीं है। अब हम थर्ड कॉलम लेके चलते हैं। चलें एक बात और थर्ड कॉलम लेके, इरेज करने लगा हूं मैं इसको। ओके यस या नो? यस ओके बेटे। अब जब मैं वापिस इस पे आया तो
तो मैं इसमें अपना टेबल ऐसे रख लेता हूं और बाकी का पोर्शन इरेज करता हूं। अब देखो मैं क्या करूंगा, मैं ऐसा काम करूंगा कि ऑब्जेक्ट को एग्जैक्टली सी पॉइंट पर रख दूंगा। क्या करेगा टीचर बेटे? ऑब्जेक्ट को एग्जैक्टली सी पॉइंट पे। क्या करने लगा टीचर? ऑब्जेक्ट एट एट सी पॉइंट यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। लो ध्यान से देखो, टीचर ने बनाया कनकेव मिरर, टीचर ने मिड पॉइंट को पोल लिख दिया, टीचर ने प्रिंसिपल एक्सिस बना दी। ठीक है, अब देखो टीचर क्या कर रहा है। टीचर पेपर में स्केल लेगा, मान लो टीचर एक बच्चा है, मैं खुद को बच्चा मानू तो मैं पेपर में एक स्केल लूंगा, यहां से अंदाजे से कोई भी पॉइंट एफ लगा दूंगा, लेकिन जितना भी लगाऊंगा, मान लो ये 5 सेंटीमीटर है, उसके बराबर ही आगे लूंगा मैं एक और पॉइंट छांट लूंगा, उसको मैं सी बोल दूंगा। याद रहे पेपर में आपको दिखना चाहिए पी एफ इज इक्वल टू एफ, ये आर, ये 2F, ऐसे आपने लिखना है। ओके, और मिरर का नाम लिखना जरूरी होता है अगर मार्क्स नहीं कटवाने, कनकेव मिरर। टीचर क्या बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट कहां पर रखेगा? येलो कलर वाला सी पॉइंट पर। सही ओके, ये मैंने इतना रख दिया, इतने चीज को बोलते हैं ऑब्जेक्ट साइज, ऐसे ब्रैकेट में लिखते हैं। तो कोई बच्चा मेरे को बताएगा यू की वैल्यू किसके बराबर आएगी? यू की वैल्यू एनी बॉडी, अभी तो ब्रेन है, यू की वैल्यू मैं किसके बराबर लिखूं? कर वेरी गुड, क्या नाम है बेटे आपका बिल्कुल जिस बच्चे ने? बहुत ही बढ़िया, क्योंकि इस बच्चे ने देखा कि सर ऑब्जेक्ट रख रहे हैं यहां पर, इसका मतलब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पोल से कितना हुआ? पीसी, और पीसी को ही टीचर ने आर लिखा है, इसलिए इस कॉलम में यू इज इक्वल टू आर लिखना। आएगा ठीक है, आगे चलते हैं। कौन बच्चा मेरे को बताएगा ये जो टीचर व्हाइट लाइन खींच रहे हैं और मिरर से टकरा रही है, ये बाद में कहां से गुजरेगी? फोकस फोकस में से, बिल्कुल, फोकस ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लगानी है भाई, आपने लगा दिया। अब मेरे को कोई बच्चा बताएगा कि ये जो मैं रे डायग्राम अब बना रहा हूं, ये कहां से गुजरेगी? इसका कलर हम कोई और कर लेते हैं, लेट से इसका कलर हम रेड कर लेते हैं। फोकस में से गुजार रहा हूं, ठीक है, कहां से गुजरे, क्या करेगी ये रे ऑफ लाइट टकराने के बाद, बता सकते हो? पैरेलल टू पैरेलल प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल एक्सिस, एक्सिस, बिल्कुल सही, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये गई बच्चे, अब यहां पर क्या बनेगा? एक थोड़ा सा इस, वेट ए मिनट वेट ए मिनट, ये थोड़ा सा रे ऑफ लाइट मामूली से गड़बड़ हो गया इसमें, इसको सेट कर लेते हैं दोबारा से, इतनी लाइन लगाते हैं। यस बेटे, ये रे ऑफ लाइट आई, ये गई, ये गई, ये गई, ये गई, ये गई, ये गई, ये निकली बच्चे। ठीक है, अगर बिल्कुल स्केल से बनाऊंगा और ऊपर से व्हाइट लाइन, तो ये स्काई ब्लू सी तो आ ही रही है, इसको भी हम लगा दें, ये तो जा ही रही है, ये यहां कट होगी। तो जब आप प्रैक्टिकली करके देखोगे ना बेटे, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लगानी चाहिए, ये देखो अब और भी बढ़िया होगी। थोड़ा थोड़ा सा इरेजर यूज कर लेते हैं, इस लाइन को दोबारा लगा लेते हैं बेटे। मैं ऐसे क्यों करता? देखो आपके पास तो पेपर में स्केल होएगा बच्चे, याद है? सही ये हो गया, तो आपके पास पिंक वाली लाइन भी एक्सटेंड कर लेते हैं,
ये पिंक वाले में, यहां पर हमने इमेज बनाना है। तो जब इमेज बनाएंगे ना बेटे, ये बन गया इमेज। तो आपने देखा ये जो येलो कलर का इमेज है, ये एग्जैक्टली सी पॉइंट के ऊपर ही आ गया। देख रहे हो कि नहीं देख रहे? तो इसका मतलब जब यू आर के बराबर होता है तो वी भी आर के बराबर आ गया। और मेरे को बताओ, ध्यान से देख के बताओ, ओ बड़ा है या आई बड़ा है? बहुत सेम साइज, सेम साइज है। बात है, यही तो मैं देखो टीचर कितना अच्छा समझ रहे हैं मेरे बच्चे। मैंने ऑप्शन ही नहीं दिया था बराबर का। मैं बोर्ड टीचर क्या पूछ रहा था, ओ बड़ा है या आई बड़ा है, फिर भी समझदार बच्चों ने क्या बोला कि सर ये तो बराबर के दिख रहे हैं। इसका मतलब इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट का साइज बराबर हुआ, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए एक डेफिनेशन होती है मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन, इमेज का साइज अपॉन ऑब्जेक्ट का साइज, दोनों कट जाएंगे, वन आएगा इसका आंसर वैसे, ओके। और मैग्नीट्यूड वाइज वन आएगा इसका आंसर बेटे, ठीक है। सो हमने क्या देखा बेटे, आजो फिर इस कॉलम में मेरे को क्या लिखना चाहिए, वी के कॉलम में कोई बच्चा मेरी हेल्प करेगा? वी इज इक्वल टू आर, शाबाश। और इस कॉलम में इमेज के फीचर क्या लिखने चाहिए बताओ फटाफट, रियल सेम साइज, रियल एंड इनवर्टेड, सेम साइज रियल के वर्चुअल, रियल और ये इनवर्टेड, क्यों अपसाइड डाउन हो गया, इनवर्टेड। ये तीन फीचर हमने लिख दिए, गॉट इट। जब मैं आपको रे डायग्राम का पेज भेजूंगा तो ये वाला चार्ट भी साथ में बना के भेजूंगा, डोंट वरी एट ऑल, ओके। अब हम एक चीज नोट करी बेटे आपने, जितना जितना ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है उतना उतना इमेज पीछे आ रहा है, और यहां पर आके दोनों का साइज बराबर हो गया। अब जानते हो आगे अगर मैं ऑब्जेक्ट को और भी आगे कर दूंगा तो इमेज पीछे आ जाएगा यहां पर, और बड़ा साइज हो जाएगा, इमेज का साइज जीत जाएगा ऑब्जेक्ट के साइज से। तो अगला चार्ट भी देखते हैं हम यहाँ पर, क्लियर है बेटे? तो बेटे मैं अब से पहले तो मेरे को जवाब दो, अच्छे से जवाब देना है दमदार, ताकि पेरेंट्स घर में बैठे हुए खुश हो जाए। मैं पूछूंगा हैव यू अंडरस्टूड, आपने बोलना है यस सर, हैव यू अंडरस्टूड? यस सर। वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया। इस बार तो की आवाज बहुत अच्छी थी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, शाबाश। अगला पॉइंट हम करने लगे हैं डिस्कस, जब आगे इसको और भी छोटा कर देंगे, ठीक है। तो बेटे जब इसको और भी छोटा कर देते हैं, किसको, यू को, U को और भी छोटा कर देते हैं, यहां पॉइंट हो गया P, U इज इवन लेस देन रेडियस ऑफ कर्वेचर नाउ, ये कंडीशन है। तो प्रिंसिपल एक्सिस बनाई, अब मैं यहां पर लगा देता हूं F पॉइंट, उसका डबल करके लिख देता हूं यहां C पॉइंट, और टीचर देखो कहां पर लिख रहा है ऑब्जेक्ट को, यहां लिख रहा है कहीं, बना रहा है ऑब्जेक्ट को। तो इसका मतलब ये पी एफ से तो बड़ा है, पी एफ क्या होता है फोकल लेंथ से बड़ा, लेकिन पी सी से छोटा है, पी सी क्या होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो यू के लिए कंडीशन क्या होगी कि ये एफ से तो बड़ा है, लेकिन कंडीशन साथ में ये भी है कि आर से छोटा है, आर से छोटा, एफ से बड़ा, फोकल लेंथ से बड़ा, रेडियस ऑफ कर्वेचर से छोटा। तो फिर से रे डायग्राम बनाते हैं, इस बार मैं थोड़ा सा चेंज लेकर आऊंगा, देखते हैं सभी बच्चे समझते हैं कि नहीं। ये रे डायग्राम तो आपने बनानी ही बनानी है, कौन से वाली बेटे, प्रिंसिपल एक्सिस के जो पैरेलल जाया करती है वो तो आपको बनानी ही बनानी है, हर डायग्राम में ये चाहिए होती, और इसको हम फोकस में से गुजार देते। अब मेरे को एक बच्चा, अब देखते हैं किसका ब्रेन चलता, मुकाबला है इस बार आपका, देखते हैं कौन बताता है। ये रे डायग्राम अगर मैं पोल पर फेंकूं तो कहां से गुजरेगी,
एनीबॉडी पैरेलल टू फर्स्ट वन, पैरेलल टू फर्स्ट, पैरेलल कैसे हो सकती है बेटे? पैरेलल तो मैंने वो बताई थी जो फोकस में से गुजरे, ये तो फोकस में से गुजर ही नहीं रही। रिफ्लेक्स ऑन इट्स ओन वे नहीं, कोई भी बच्चा ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं निकला क्लास में, लेकिन एक दूसरे स्कूल के बच्चों ने बता दिया था। फिर भी मैं मौका देता हूं आपको, शाबाश, फिर से सोचो ये कहां से गुजरेगी। अगर आप उस बता दिया तो आप दूसरे स्कूल से जीत गए, नहीं तो फिर आप रिफ्लेक्स ऑन इट्स ओन वे ऑब्लिकली। What do you mean by on way? का मतलब ऐसे सीधी निकल जाएगी, मिरर को, मिरर को मिरर में सुराख करके सीधी निकल जाएगी। सर जिस जिस पाथ से आ रही है उसी पर वापस रिफ्लेक्ट कर जाएगी। नहीं बेटे, ये गुड़िया ने बिल्कुल सही बोला था। कौन था जो कह रही थी, सर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एक बच्चा बोल रहा था। व्हाट इज योर नेम बेटे? कौन? दिलप्रीत। दिलप्रीत। यार ये बच्चा बड़ा तेज है, पहले भी इसने बता दिया, बाकी बच्चे इसका मुकाबला नहीं कर पा रहे मेरा ख्याल। सो वेरी गुड। तो इस बच्चे ने सोचा कि सर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होने चाहिए, आपने तो हमें बताया था। तो ये रे डायग्राम एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करती हुई ऐसे चले जाएगी। गॉट इट? तो जब ये फॉलो करती हुई ऐसे जाएगी तो हम ऊपर वाली रे ऑफ लाइट को तो एक्सटेंड कर ही देते हैं। ओके तो इस तरह से हमारा वो बन जाएगा, ठीक है, यहां जाके कट करा बेटे, ठीक है। और कोई बच्चा मेरे से पूछता है, सर आपने इस बार वो लाइन क्यों नहीं ड्रा करी जो आप फोकस में से गुजार सकते गुजारते होते थे? तो मैं उसको कहूंगा वो भी गुजार सकते हैं, अगर बाय द वे अगर आप फोकस में से लाइन गुजारते हैं, फोकस में से, तो ऐसे गई रही है राइट, और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रहेगी ना बेटे, तो वो भी वहीं से गुजरेगी उसी पॉइंट से, देखो ठीक है, चाहे वो निकाल लो। तो मैं आपको नई रे ऑफ लाइट सिखाना चाहता था कि पोल से सीधी गिरे तो ऐसे आ जाती है। अब आ गया समझ आपको? यहां पर मैं इमेज बना दूंगा। अब मेरे को बताओ इमेज ऑब्जेक्ट के मुकाबले साइज में बड़ा बना या छोटा? बड़ा। टेक्निकल लैंग्वेज में एनलार्ज्ड या मैग्नीफाइड बोलेंगे, ऑब्जेक्ट का साइज छोटा रह गया। अगर इमेज किसी और डायग्राम में इमेज ऑब्जेक्ट के मुकाबले छोटा हो तो उसके लिए टेक्निकल वर्ड स्मॉलर तो लगता ही है, लेकिन ज्यादा अच्छा वर्ड है डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड। ओके सो बेटे देखो यहाँ पर इमेज इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट है ना, यहाँ डिमिनिश्ड वर्ड लिख सकता है टीचर। ओके तो एक चीज बताओ, क्या ये जो इमेज का गैप है पोल से, ये आर के मुकाबले लार्जर है कि स्मॉलर है रेडियस ऑफ कर्वेचर के मुकाबले? लार्ज लार्ज लार्जर, क्योंकि सी तो यहीं तक रह गया, यहां तक तो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, सी आर से भी बड़ा हो गया देखो बेटे भी, तो क्या लिखना चाहिए? V is greater than R. और क्या लिखना चाहिए? इमेज का साइज ऑब्जेक्ट से बड़ा। और क्या लिखना चाहिए? इमेज रियल है। और क्या लिखना चाहिए? इमेज इन्वर्टेड है। देखा टीचर ने आपको क्या सिखाया था, जितना जितना ऑब्जेक्ट पोल के पास जाता जाएगा उतना उतना इमेज बड़ा होता हुआ पोल से दूर हटता जाएगा। आया समझ? Yes, yes, yes. अगर मेरे पास ये पेपर में रे डायग्राम आ जाए ये वाली, और मैंने इस बच्चे के मार्क्स काटने हो, जानते हो मैं उसके मार्क्स कैसे काट लूंगा? अगर ये 3 मार्क्स की है तो मैं उसको 2.5 दूंगा। वो बोलेगा सर क्यों नंबर काटते हैं? कौन बच्चा मेरे को बताएगा इस रे डायग्राम में मैं कहां से नंबर काटूं? सब मिरर का नाम नहीं लिखा, नेम भी नहीं लिखा। शाबाश, कॉनकेव मिरर लिखना चाहिए। और कहां से नंबर कट सकते हैं, और कहां से मार्क्स कट सकते? प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में भी मेंशन करनी। बिल्कुल सही, प्रिंसिपल एक्सिस मेंशन नहीं करा। और कौन सी गलती हो सकती है?
बोलो बोलो। एक मैं उसको बोलूंगा उस बच्चे को, बेटे ये डबल लाइन नहीं करनी होती, सिंगल करनी होती है, ये डबलिंग नहीं दिखनी चाहिए। लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ी गलती बची पड़ी है, जो बच्चा बता दे ना उसके लिए मेरे लिए क्लैप है मेरी तरफ से। एक बड़ी गलती है इसमें, शाबाश। कौन बताएगा? हाय हाय, नहीं बता पाए, हार गए। दिलप्रीत बच्चा भी हार जाएगा इस बार। हैं? अरे यूनिवर्सिटी वाह रे वाह, इस गुड़िया को तो स्पेशल शाबाश देनी पड़ेगी। बिल्कुल सही, इस बच्चे ने पकड़ लिया कि सर आपने यू को मेंशन नहीं करा, ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को। अब बड़े से बड़ा टीचर आपके मार्क्स नहीं काट सकता। ओके, लेकिन ये याद रहे, ऐसे टेढ़ी नहीं होनी चाहिए रे ऑफलेट। आपके पास स्केल होगा, बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। ओके, चले आगे। यस यस बेटे ये दिलप्रीत कौर जो यस बच्चा, दिलप्रीत कौर दो बच्चे हैं, पता नहीं कौन सा बच्चा है, ये डॉटर ऑफ जतिंदर सिंह है या डॉटर ऑफ सतनाम सिंह है, कौन है बच्चा ये? डॉटर ऑफ सतनाम सिंह। ठीक है, सारी क्लास को चैलेंज है कि इस बच्चे को हराना जरूर है अगले क्वेश्चन में। लेकिन जितिन बेटे तुम्हारा क्या क्या, दिलप्रीत बेटे तुमने हारना नहीं है, ये प्रॉमिस होना चाहिए तुम्हारे से। सारे बच्चे इसको एक बार तो जरूर हराएंगे। आर यू रेडी? यस सर, यस यस सर, यस पहले ही मत यस डरो ना, जम से बोलो तो सही, यस सर वी विल ट्राई अवर बेस्ट। आर यू रेडी टू डिफीट दिलप्रीत? यस सर, सर। मैं दिलप्रीत से पूछता हूँ, दिलप्रीत आर यू रेडी टू कम्पीट द क्लास? क्या बात है, अब आएगा मजा अगली रे डायग्राम, अब आएगा भाई, देखते हैं कौन बच्चा जीतता है। अब एक बात और बताऊं मैं बेटे, इसमें अगर मैं ऑब्जेक्ट को एफ पे डाल दूं ना, एफ पे, तो इमेज इन्फिनिटी पे चला जाता है। लेकिन अगर एफ से भी आगे ले जाएं, फिर वो डिस्कस करते हैं, वो सबसे ज्यादा आता है पेपर में, जो मैं अब करने लगा, ऑब्जेक्ट को फोकस पॉइंट से भी आगे ले जाए। शाबाश, आई एम गोइंग टू इरेज, स्पेस बना लेते हैं। कोई बच्चा भूले मत कि इस बार मेरी प्यारी सी गुड़िया दिलप्रीत को आपने हरा के छोड़ना है, और दिलप्रीत ने मेरे से वादा किया है कि वो अपने आप को हारने नहीं देगी। लेट्स सी अब होता क्या है, ध्यान से देखना बेटे, अब मुकाबला कंपटीशन है, एक बच्चा सारी क्लास से लड़ रहा है। शाबाश, यस, देखते हैं बेटे। ये बना दिया टीचर ने कॉनकेव मिरर, और ये बना दिया प्रिंसिपल एक्सिस, ओके, और इसको पोल लिख दिया। यहां तक टीचर मान लो लिखता है फोकस, और यहां तक उससे डबल करना पड़ेगा, यहां तक सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब टीचर ने आपको पहले ही बोल दिया था कि मैं जो ऑब्जेक्ट बनाऊंगा वो यहां बनाते, ये बना दिया टीचर ने ऑब्जेक्ट। गौर से देखो, ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है पोल से लेकर, जिसको हम यू बोलते हैं, ये वाला फोकल लेंथ के मुकाबले छोटा है। गौर से देखो, दिस इज फोकल लेंथ। तो हमारी कंडीशन क्या है? यू इज लेस देन एफ। एक बात याद रहे, अगर टी मैंने आपके स्कूल का पेपर बनाना हो तो मैं ये वाली डायग्राम पेपर में डालूंगा, इतनी मेरे को ये इंपॉर्टेंट लगती है। ओके, अब देखते हैं क्या बनता है। शाबाश, ये रे डायग्राम में मैंने यहां से भाई पहली रे निकाली ऑब्जेक्ट से, जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। यहां से टकराने के बाद आप सभी को पता है ये फोकस में से गुजर जाएगी, एग्रीड और नॉट? बोलो। यस ये तो मैंने बनाई दी। दूसरी बात, इस ऑब्जेक्ट से हम अब फोकस में से लाइन नहीं निकाल सकते। कौन बच्चा बताएगा फोकस में से क्यों नहीं लाइन निकाल सकते? शाबाश, यही मेरा सर, क्वेश्चन। क्योंकि फोकस पीछे है ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट
हाँ बिल्कुल सही, क्योंकि जब अगर मैंने याद रही, असली क्वेश्चन नहीं था वो, आना है अभी मुकाबले वाला, इसमें से अगर मैंने लाइन ऐसे निकाल दी तो वो तो मिरर से टकराएगी ही नहीं, वो तो इधर को चले जाएगी, आफ्टर ऑल रेज ऑफ लाइट मिरर पे टकरानी चाहिए, तो दूसरी रे ऑफ लाइट मैं कहां पर थ्रो करूं? सर पोल पे, पोल पे, पोल पे थ्रो करूंगा, तो पोल पे थ्रो करूंगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर हो जाएंगे, तो रे ऑफ लाइट इधर चलेगी, है बेटे, तो रे ऑफ लाइट मेरी, मैं बनाने लगा हूं आप गौर से देखो, तो मेरी रे ऑफ लाइट, थोड़ा सा इसको दोबारा बनाते, ये गया बेटे, गॉट इट। अब ये तो दोनों रेज काट ही नहीं रही, तो इमेज कहां पर बनेगा? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी नहीं बेटे, पहले मेरे को ये बताओ, एक्सटेंडेड लाइंस लगा के इमेज बनेगा, ये कौन से बच्चे ने बताया था? वो जीत गया, कौन है? फिर वही बच्चा जीत गया। वेरी गुड बेटे, इस लाइन को ये जब ये मीट ही नहीं करती तो इसको वर्ड ऐसे एक्सटेंड करना पड़ेगा ऐसे, और पिंक लाइन को भी एक्सटेंड करना पड़ेगा बैकवर्ड, यहां पर इमेज बनेगा, और इस लाइन को अगर हम एक्सटेंड, यहां पर मैं इमेज बनाने लगा हूं, अब कोई बच्चा दिलप्रीत नहीं बोलेगी, दिलप्रीत इस क्वेश्चन का जवाब नहीं देगी, देखते हैं क्लास में और कौन जवाब देता है। ये जो इमेज मैंने बनाया, इसके क्या क्या फीचर होने, क्या क्या फीचर? ये बेटे, ये जो बच्चे हैं ना बड़ा अच्छा बोले हैं, आप भी इक्वली कॉम्पिटेंट हो बेटे, थोड़ा सा हेजिटेट कर रहे थे इसका मतलब पिछले क्वेश्चन, तो इन बच्चों ने बिल्कुल सही बताया कि सर पहले तो देखो इसकी टिप ऊपर है ना ऑब्जेक्ट की, तो इमेज की भी टिप ऊपर है, तो आपको लिखना चाहिए इरेक्ट है, वर्चुअल नहीं लिखना है, इन सभी में देखो आपने वर्चुअल लिखा था, इसमें भी, इसमें भी, इसमें तीन में। दूसरी बात, ये इरेक्ट के साथ साथ क्या वर्चुअल है कि रियल है? वर्चुअल। जब भी डॉटेड लाइनों से एक्सटेंड करके इमेज बने तो उस इमेज को देखा नहीं जा सकता, ना ही टच किया जा सकता है, ना ही कागज पे डेवलप करा जा सकता है, ना ही फोटोग्राफिक फिल्म पे डेवलप करा जा सकता है। अगर कोई बच्चा इस इमेज को देखे तो मिरर के यहाँ सामने खड़े होकर दिख तो सकता है, लेकिन अगर वो मिरर के पीछे जाकर देखेगा तो यहाँ कुछ होएगा ही नहीं। ऐसे इमेज को जिसको सिर्फ देखा जा सके, छुआ ना जा सके, कागज पे ना डेवलप करा जा सके, उसको वर्चुअल बोलते हैं। ओके, तो ये इमेज ऑब्जेक्ट के मुकाबले बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा, हाईली मैग्निफाइड, हाईली मैग्निफाइड। ओके, यस और नो? ये देखो, ये अकेला केस था जिसमें बेटे, ये अकेला केस था जिसमें इमेज ऑब्जेक्ट के मुकाबले बहुत बड़ा बना और इरेक्ट बना, इसीलिए यही पेपर में पूछा जाता है मेल। अगर आपके पास फोन रखा हुआ है तो मैं ये चाहूंगा कि आप इसकी फोटो खींच लो, पेपर में सब कुछ मेंशन करना है, यू कितना है, फोकल लेंथ कितनी है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, सब कुछ मेंशन करना है, तब मार्क्स मिलते हैं। अब एक चीज देखो बेटे, ध्यान से सुनो, अब मैं जो बात कहने लगा हूं बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, योर अटेंशन, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है बेटे। अगर मैं इस इमेज को हटा के, ध्यान से सुनना, इस इमेज को हटा दिया और उसकी जगह पर मैंने ये रख दिया, ध्यान से देखो टीचर क्या रखने लगा है,
उसकी जगह पर मैंने ये रख दिया और उसकी जगह पर इस इसके ऊपर मैंने ये दिखा दिया। कोई बच्चा बता सकता है मैंने क्या करा? बेसिकली क्या करा है बताओ? सर आपने पर्सन को चेयर पे बैठा। बिल्कुल सही। तो एक बच्चे ने देखा सर आपने रफ डायग्राम से बनाया है तो आप एक पर्सन को चेयर पर बिठा रहे। तो जब ये निडल ऑब्जेक्ट बन सकती है ये पर्सन भी तो ऑब्जेक्ट बन सकता है। तो मैंने निडल को बाहर करके पर्सन को वहां पर बिठा दिया और ये मिरर ऐसे लगा दिया। अब सोचो इस बंदे का जो फेस है वो कितना बड़ा दिखेगा। हाई इसका फेस विल सर्व एज ऑब्जेक्ट, हाईली मैग्निफाइड, वर्चुअल, इरेक्ट। समझ आ गया? अब ब्यूटिशियंस क्या करते हैं, ब्यूटी सैलून्स पे क्या करते हैं, जब हम जाते हैं चेयर पे बिठा देते हैं, कर्व लगा होता है उनकी चेयर यहां लगी होती है फोकस से अगले पॉइंट पर, इतना बड़ा फेस दिखता है। और वहां पर वो गोल्डन प्लेट करा होता है, गोल्डन मिरर, इतना बड़ा फेस, वो शेव करते हैं अच्छी सी हमारी 500 रुपए ले लेते हैं शेव के, एंड टर्बन सेट करते हैं, अपना फेस इतना सा होता है और टर्बन वाला इतना बड़ा फेस दिखता है शीशे पे। तो किसी सरदार साहब ने किसी पार्टी पे जाना हो बहुत ही अच्छी तरह टर्बन का ऐसे पिन पन लगा के सेट करके जाते हैं। किसी गर्ल ने किसी अच्छी पार्टी में जाना है या लेडीज ने जाना है तो उनकी बहुत अच्छी ग्रूमिंग, वो कहेंगे ये यहां से सेटिंग कर, यहां से सेटिंग कर, है इतना बड़ा फेस दिखेगा। दैट इज वाई ब्यूटी सैलून्स लेडीज के लिए कौन सा पॉपुलर होता है बच्चे? वंदना लुथरा का सबसे पॉपुलर है देश में। जेंट्स के लिए कौन सा? हबीब का। ये दोनों की सिर्फ शेव शेव के 500 रुपए ले लेते हैं ये लोग। ये टेक्निक ये है बस। मेरा एक दोस्त होता था मैंने उसको ये, उसका दुकान चलता नहीं था, नॉर्मल शॉप थी, बार बार शॉप, मैंने उसकी दुकान में ये आइडिया इंप्लीमेंट करवा दिया। इतना कस्टमर बढ़ गया ना उसका कि हैरान ही हो गया। और अब मैं जाता हूं तो मेरे से वो कहता है सर आपसे पैसे नहीं लेने, लेकिन मैं फिर भी उसको दे के आता हूँ। मैंने कहा वो एक मेरी नॉलेज थी मैंने तुम्हें बता दिया, इसका मतलब ये थोड़ी है कि शेव मैं फ्री में कराऊंगा। इज दैट क्लियर? समझ आया आपको? यस। टीचर ने बातों में क्या बताया? एप्लीकेशन ऑफ रे डायग्राम ऑफ कनकेव मिरर, स्पेशल केस व्हेन यू इज लेस देन एफ, ये वाला। बोलो समझ आया? यस यस सर। सो इसमें हम लिखेंगे u इज लेस देन f और v के बारे में लिखेंगे कि इट इज ऑब्जेक्ट कहाँ होएगा? बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर बेटे। आपने देखा हमने कॉनकेव मिरर के सारे केसेस कर दिए हैं, अब एक हम करेंगे कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स मिरर का एक ही रे डायग्राम होता है बस, दूसरे की जरूरत ही नहीं। फिर अगले लेक्चर में हम लेंसेज करेंगे, ठीक है? कन्वेक्स मिरर का एक हम देख लेते हैं। शाबाश शाबाश, मिटे सकता हूं कि आपको समझ आ गया मेरा? कन्वेक्स मिरर का एक वो जिसमें इमेज को फोकस पे रखते हैं, हाँ वो भी, वो छोटा सा एक पॉइंट वो भी है, लेकिन वो कोई खास नहीं माना जाता, यूजली एक ही। चलो मैं वो भी करा दूंगा, ठीक है बेटे? अब मैं आपको रे डायग्राम कन्वेक्स मिरर की सिखाने लगा हूं। सबसे पहले ये बताओ यहां तक समझ आ गया? जोश से यस या नो? यस। वेरी गुड वेरी गुड। सो अब हम चलते हैं रे डायग्राम कॉन्वेक्स मिरर पे। कॉन्वेक्स क्या हो गया? एक मिनट जरा मेरा मार्कर रुक गया, इसको मैं सेटिंग करूं, जरा हैंग हो गया बेटे। देखो भाई रीस्टार्ट करना पड़ेगा शायद, एक मिनट रुकना पड़ेगा बेटे। ये हम आज की लास्ट डायग्राम ले रहे हैं। आपको अपने टीचर का नाम भी पता होना चाहिए जिससे पढ़ रहे हो। व्हाट इज माय नेम एनीबॉडी? धीरज वशिष्ठ। धीरज वशिष्ठ, बिल्कुल बिल्कुल। कई बार मैंने, एक बार मेरे को बड़ा बुरा लगा, मैं एक बच्चा मेरे पास एक साल पूरा पढ़ा, टॉप कर गया,
उसको एक साल के बाद मेरा नाम ही नहीं पता था, टॉप पर होने के बावजूद। मैंने कहा भाई ये तो गंदी बात है। आ गया बेटे। सो अब हम कर रहे हैं कॉन्वेक्स, मेरा ये हम बात करने लगे हैं बेटे। सो कॉन्वेक्स मिरर में मैंने ये ऐसे बनाना है मिरर, और इसकी पॉलिश इस तरफ करनी है बेटे, जिस तरफ सिल्वर पॉलिश करा जाता है उसके अपोजिट साइड जिधर मैंने डबल एरो लगाया है वो शाइनिंग सरफेस होता है। शाइनिंग सरफेस कौन सा होता है? जिधर डबल एरो लगाया टीचर ने। और यहां पर मैं सेंटर में पोल बना के अपना प्रिंसिपल एक्सिस बनाने लगा हूं। जितना मर्जी लंबा खींच सकते होते हो आप प्रिंसिपल एक्सिस को। ओके, अब एक बात याद रखना बेटे, जो रूल्स टीचर ने सिखाए थे ना प्रिंसिपल एक्सिस के, पैरेलल तो फोकस में से फोकस में जा रही है तो पैरेलल बनेगी, और पी के ऊपर फेंकेंगे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा, और अगर सी से कोई रे ऑफ लाइट फेंके सी से तो सी से जाने वाली रे ऑफ लाइट सी से ही बाहर आ जाती है, ये रूल वैसे ही रहेंगे। अब इसका मतलब है टीचर यहां पर एक रे डायग्राम, कहीं भी ऑब्जेक्ट रख रहा हूं मैं, कहीं भी ऑब्जेक्ट रख रहा हूं, बस एक कंडीशन है कि उस ऑब्जेक्ट को मैं इन्फिनिटी पे नहीं रख रहा, कहीं भी रख दो, यू से बड़ा हो आर से बड़ा हो जहां मर्जी रख दो, ये मैंने ऑब्जेक्ट को रख दिया। तो इस ऑब्जेक्ट से मैं व्हाइट कलर का रे ऑफ लाइट निकाल रहा हूं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है बेटे। तो आपको पता है ये टकराने के बाद ये तो इधर को चला जाएगा, यस या नो? तो फिर हम क्या करें? हमारे टीचर ने तो सिखाया था फोकस में से गुजरता है, है बेटे? शाबाश, जब मैंने रे ऑफ लाइट यहां से टकराई तो हालांकि रे ऑफ लाइट तो असली में तो इधर से ऐसे निकल जाएगी, लेकिन अगर यहां पर ह्यूमन आई रखी होगी, ह्यूमन आई की अपनी थिंकिंग पावर नहीं होती, वो हमेशा सोचती है रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन यानी स्ट्रेट लाइन में रे ऑफ लाइट आ रही है ऐसे, वो तो यही सोचे। ओके, तो अगर वो रे ऑफ लाइट स्ट्रेट लाइन में सोच रही है, कौन? ह्यूमन आई, तो इसका मतलब वो सोच रही है कि यहां से कहीं से ये एक आ रही है, पर हमें तो पता है असली से यहां से नहीं आ रही, इसलिए हम इसको डॉटेड ही दिखाएंगे। और गौर से देखो, फोकस रे ऑफ लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो अगर वो असली में से फोकस में से नहीं गुजरती तो कम से कम फोकस में से आती हुई जरूर लगती है, तो वो प्रिंसिपल लग गया हमारा। और एक चीज बताओ, अब मैं देखते हैं किसका ब्रेन चलता है। अब मैं एक रे डायग्राम डायरेक्ट फोकस पे मारने की कोशिश करता हूं, डायरेक्ट ये लगाई देखो फोकस पे, बताओ ये फोकस तक पहुंच जाएगी या नहीं पहुंचेगी? नहीं पहुंचेगी, क्योंकि मिरर तो उसको रिफ्लेक्ट कर देगा। अब यहां से रिफ्लेक्ट होकर जाएगी किधर को? नीचे को जाएगी या ऊपर को जाएगी या प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी? कहां सर? अपनी बात पर वापस रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी? नहीं नहीं, रिफ्लेक्ट बैक तो तब करती अगर ये इसकी सी की तरफ होती बेटे, सी की तरफ होती। अब ये देखो, ये अगर योर अटेंशन, आवाज ना करो बेटे, अगर ये लाइट ऐसे जा रही है और फोकस के ऊपर गिरती हुई दिख रही है लेकिन असली में चाहे भी गिर रही हो, तो टीचर ने क्या सिखाया था? प्रिंसिपल नहीं, जो तरफ वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल बन जाएगी, ये यहां आ जाएगी वापस। देखो ये येलो लाइन ग्रीन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। अब इमेज कहां पर बनेगा? तो अगर ह्यूमन आई यहां पर रखें, ह्यूमन आई की अपनी थिंकिंग पावर होती नहीं, वो सोचती है रे ऑफ लाइट स्ट्रेट लाइन में आ रही है, रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन यहां से कहीं से आ रही है, बैकवर्ड एक्सटेंड कर दिया हमने। जहां पर ये दोनों लाइनें कट करेंगी वहां पर हमारा इमेज बन जाएगा,
बोलो इमेज को इरेक्ट बनाऊं या वर्चुअल बनाऊं? इरेक्ट एंड वर्चुअल। कैसे पता लगा इरेक्ट? क्योंकि से चली हुई रेज ऑफ लाइट ही कट कर रही है, तो टिप ऊपर को है तो यह भी टिप ऊपर को है। अच्छा yes. एक तो ये इमेज बन गया इरेक्ट। अब दूसरी बात बताओ, क्या ये वर्चुअल है? वर्चुअल। कोई बच्चा कारण बता सकता है वर्चुअल क्यों है? सर क्योंकि ये मिरर के पीछे टच। तो आप कहोगे सर ये आपने एक्सटेंडेड रेज के कट करने से बनाया, आपकी रेज तो वहां तक पहुंच ही नहीं रही। जब रियल रेज ना पहुंचे तो वर्चुअल बनता है। कभी कभी ऐसा भी देखने में आएगा आपको पेपरों में कि एक रे डायग्राम, एक रे रियल है एक वर्चुअल है, तो जब तब भी वर्चुअल ही बनेगा। रियल इमेज बनने के लिए सारी की सारी रेज ऑफ लाइट उस पॉइंट ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर सारी की सारी रियल होनी चाहिए, तब रियल बनता है। तो ये तो वर्चुअल आ गई तो वर्चुअल बन गया। छोटा बना या बड़ा बना? डिमिनिश्ड। मतलब है इमेज का साइज इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट का साइज। ऑब्जेक्ट का साइज इतना। जानते हो ये कहां पर यूज करते हैं ऐसा मिरर? बोलो। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ड्राइविंग। यस, जो हमारा रियर व्यू मिरर होता है ना व्हीकल्स में, कार्स में, आपने देखा उसमें अगर मैं ऐसे जा रहा हूँ बाइक पे, स्कूटर पे या कार पे, जो रियर व्यू मिरर होता है बैक साइड पर फोटो दिखाता है, उसको ज्यादा सड़क को कवर करता है क्योंकि वो छोटी करके दिखाता है चीज को, देखो असली ऑब्जेक्ट के मुकाबले छोटा। ठीक है, तो इसका मतलब है, लेकिन छोटे का मतलब ये नहीं है कि बहुत दूर है। कई लोग सोचते हैं मिरर में बहुत दूर है, ऐसे व्हीकल कट कर देते हैं पीछे से उड़ा के मार। वो छोटा करके क्यों दिखाता है? क्योंकि हमने रियर व्यू से ज्यादा सड़क देखना चाहते हो। कभी कभी आपको ऐसा रियर व्यू भी मिलेगा, देखो ऐसा रियर व्यू मिरर होता है, एक मिरर होता है उसके ऊपर एक और भी लेंस चिपका होता है। देखा आपने एक और मिरर के ऊपर मिरर चिपका होता है, देखा कभी? तो इसमें से एक मिरर तो आपको ज्यादा व्यू दिखाता है सड़क को, और दूसरा मिरर जो होता है वो आपको असली डिस्टेंस दिखाता है कि पीछे वाला व्हीकल आपके कार से कितने का गैप पे आ रहा है, क्योंकि उसी गैप से अंदाजा लगा के आप सोचते हो कि तेज आ रहा है कि पीछे वाला स्लो आ रहा है, काफी गैप है कि कम है, मैं मोड़ दूं इधर को कि नहीं। अगर ये गलती होगी, आपने मोड़ दिया और पीछे वाला हाई स्पीड से आ रहा है, उससे कंट्रोल नहीं हुआ, तो आप तो भव सागर से पार हो जाओगे, दूसरी दुनिया में चले जाओगे। इसलिए आपको बहुत ध्यान रखना होता है। कॉन्वेक्स मिरर का ये डायग्राम व्हीकल के रियर व्यू के लिए बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन देता है। समझ आ गया बेटी आपको? सर यस। अब इसमें मैंने इतनी सारी लेबलिंग करी, क्लियर है? और अब मेरे को कौन बच्चा इसमें गलतियां निकाल के बताएगा? ये लास्ट बात कर रहे हैं हम आज की, इसमें मिस्टेक्स ढूंढ के बताओ। सर पहले तो आपने मिरर मेंशन नहीं किया, प्रिंसिपल एक्सिस मिरर नहीं मेंशन किया। तो बोलना चाहिए सर आप इसमें कन्वेक्स मिरर लिखते क्यों नहीं, आपको समझ नहीं है सर? आप टीचर होके भी गलत करते हो, यहाँ पर आपने लिखा ही नहीं है सिल्वर पॉलिश है सर, ऐसे तो आपके नंबर कट जाएंगे। और कौन बच्चा मेरे को गाइड करेगा? और मिस्टेक बताओ सर। प्रिंसिपल एक्सिस। आप पीए मत लिखा करो, ऐसे टीचर इरिटेट हो जाता है, पूरा लिखा करो सर आप, वरना हम आपके नंबर काट लेंगे बच्चे बच्चे मिलके सारे। प्रिंसिपल एक्सिस लिखो आप। और क्या लिखो सर? वी सर। वी तो वी सर, आपने वी इमेज का डिस्टेंस मेंशन ही नहीं करा। देखो इससे तो मैं अब बच्चे सारे आपके 10 नंबर काट लेंगे 15 में से। वी तो लिखो। और बताओ, और बताओ। शाबाश शाबाश सर। ऊपर जो फर्स्ट रे जा रही है उसमें आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं लिखा। नहीं ऐसे तो किसी में भी नहीं मेंशन, वो जरूरी नहीं होता बेटे, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ऐसे तो इसमें भी बनना चाहिए, इसमें भी बनना चाहिए। और बताओ शाबाश, ज्यादा से ज्यादा नंबर काटो मेरे,
देखता हूँ ऑन कौन मेरा बच्चा नंबर काट सकता है। टीचर की मिस्टेक्स पकड़ो, शाबाश हरिया। मैं बताऊं, मैं अपने अगर बच्चा मेरे को ये दे, मैं कहूंगा बेटे यहां पर तुमने डबलिंग लाइन क्यों करी, मैं मार्क्स काट लूंगा तुम्हारे, डबल नहीं करनी, ठीक है। और मिस्टेक सर, आप भी डबल, सर आपने साइड पे फार्मूला नहीं लिखा आई साइज अपॉन ओ साइज मैग्निफिकेशन का, सर आपको ये मिरर का फार्मूला साइड पे लिख देना चाहिए अच्छे मार्क्स लेने के लिए। सर और बताऊं सर आपने क्या मिस्टेक करी, सर आपने रेडियस ऑफ कर्वेचर को डबल ऑफ फोकल लेंथ नहीं लिख के दिखाया साइड पे, और बताओ एक मिस्टेक और निकाल दो बस, और दिलप्रीत से पहले पहले निकालनी है ये देख लो गक्के, ये मेरी आखिरी मतलब खुश कर दो आखिर में, दिलप्रीत को हराना है इस क्वेश्चन। शाबाश दिलप्रीत निकालो बेटे मिस्टेक, हरे अप हरे अप, सर आपने ये मेंशन नहीं किया कि जो इमेज है वो डिमिनिश्ड है। ये लिख दिया बेटे, ओके और बताओ बताऊं मैं तो घर बता ही दूंगा टीचर। ऑब्जेक्ट एंड इमेज को आपने ए बी एंड सी डी मार्क नहीं किया। हाँ वो आप देखो जब मैंने ऐसे चाहे ऐसे लिख दो बेटे, चाहे पॉइंट वाइज लिख दो, ए बी लिख दो, ए बी ए डैश बी डैश, चाहे ये तरीका अपना ही कर लो चाहे ये। एक तो इमेज को भी साइज को ऐसे मेंशन करना होता है ब्रैकेट में, आपको बस ये पॉइंट बोलना है कि सर ये जो व्हाइट लाइन और येलो लाइट आपके पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे गई है ना, तो इन पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को आप नंबर दे दो, जैसे आपने इसको एक्स बोल दिया इसको वाई बोल दिया, नंबर देने चाहिए बस आपको। अच्छा आज का लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन, अगर मैं ये रे डायग्राम एक और यहां पर रे डायग्राम ये लाइन बना देता पी के ऊपर, तो ये लाइट ऐसे इधर निकल जाएगी, लेकिन अगर मैं इसको बैकवर्ड एक्सटेंड करूं तो कहां से गुजरेगी ये बता सकता कोई बच्चा? ऑब्जेक्ट की टिप से बेटे ऑब्जेक्ट तो ये है, इमेज की टिप से, इमेज की टिप से, तो इमेज की टिप से डॉटेड लगाऊं के रियल लगाऊं? डॉटेड डॉटेड, और पेपर में एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दिखाना पड़ेगा। अगर आपने रे ऑफ लाइट पोल पे फेंकते हो तब आपको ये जरूर लिखने पड़ते हैं। मैं चाहता हूं कि आप इसकी फोटो ले लो, ले लिया बेटा। आपने ये नहीं मेंशन किया कि यू वी से बड़ा है। ये देखो यू यू तो मैंने ना मैंने यू के ऊपर कोई कंडीशन ही नहीं लगाई, यू कैन बी ऑफ एनी वैल्यू, एनी वैल्यू, यू के ऊपर मैंने बताया था बेटे आप मिस कर गए इस बार, चाहे इसीलिए तो इसके अंदर कॉन्वेक्स का आता नहीं है पेपर में, इसको आगे पीछे कहीं भी करते रहो तो इसका यही बनेगा बस। ऑब्जेक्ट की कोई कंडीशन नहीं है, बस इन्फिनिटी पे अगर ना हो तो अच्छी बात, नहीं तो पॉइंट बन जाए। अब एक बात, मैं इसको इरेज करने लगा हूं, देखो अगर कोई बच्चा कहे सर आप हमें दोबारा बता सकते हो क्या क्या पढ़े, हम आप सिर्फ फोटो फोटो दिखाता हूं, एक ये पढ़े देखो, और एक ये भी बड़ा अच्छा डायग्राम था, अरे ये देखो एक अच्छा, वो बीच में हमारा वो मैंने आपके लिए सारे स्टोर करे थे ना, बीच में हमारा बोर्ड हैंग हो गया था ना बेटे, इसलिए वो मेमोरी में रहा नहीं, दोबारा से ऑन करना पड़ा, वरना मैं सारी डायग्राम आपके लिए स्टोर कर रहा था और आखिर में आपको दिखानी थी। नो प्रॉब्लम, आपको शीट में मिल जाएगी, अगली बार हम लेंसेज की रे डायग्राम समझेंगे, लेकिन अपने टीचर को दमदार आवाज से बताना है, अगर मैं आपको समझ आ गया मैं पूछूंगा हैव यू अंडरस्टूड और नॉट, पूरी जान से बोलना है, हैव यू अंडरस्टूड रे डायग्राम? यस सर, यस सर, यस सर।
समझ नहीं दोबारा से have you understood the diagram yes yes sir, yes, sir. Yes, sir. चलो बच्चे बाय बाय yes, सभी बच्चों को परशुराम जयंती की बधाई हो अच्छे से सेलिब्रेट करो बाय बाय सत बाय सत श्री अकाल नमस्कार और अच्छे से रिवाइज करके आना अगली बार बाय सर बाय सर बाय सर बाय सर अगली बार विपरीत को हराना होएगा करती ना एक्टिंग पूरी